नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के उन भागों को बताने जा रहे हैं जो आप कंप्यूटर जब सीख रहे हैं तो भागों को भी आप जान जाएं। कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में आज हम बताएंगे और सॉफ्टवेयर के बारे में हम अगली वीडियो दूसरी डालेंगे। तो मेरी वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। देखिए, कंप्यूटर के हम आपको मुख्य भाग बताने जा रहे हैं, वो देखिए आप ध्यानपूर्वक। ये आपका हो गया है, जैसे आप यहाँ पर कोई इनपुट दे रहे हैं तो ये आपका इनपुट के लिए ये प्लग इन लगा है, और ये दोनों जो प्लग हैं वो आउटपुट प्लग हैं, और ये चार प्लग हैं वो यूएसबी के प्लग हैं। यूनिवर्सल सीरीज बस जो यूएसबी पोर्ट होते हैं, इस पोर्ट से डिस्प्ले में कनेक्ट करते हैं। ये भी डिस्प्ले कनेक्ट है, और इन दोनों में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करते हैं। इसमें जो आप ये देख रहे हैं, इसमें पावर देते हैं, ये पावर ऑन ऑफ करने के लिए की है ये वाली। ये SMPS फैन है। अब हम आपको ये खोल के भी दिखा रहे हैं। ये देखिए SMPS है, और ये प्रोसेसर फैन है। ये CD-ROM है, और ये आपके हार्ड डिस्क हैं। ये CD-ROM और ये आपके हार्ड डिस्क हैं। और ये देखिए जो हार्ड डिस्क और ये मदरबोर्ड में लगाते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सरपट्टा बोला जाता है। और ये केबलें सारी जो प्रोसेसर SMPS से कनेक्ट हैं, ये वाले सभी। और ये देखिए आप, हम आपको इसमें मुख्य भाग बता रही दे रहे हैं। ये देखिए, ये रैम लगी है, रैम को हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए रैम है, बस इस रैम को हमने निकाल कर बताया है। ये डबल कोर का मदरबोर्ड है, इसमें हम बड़ी ही आसानी से रैम को लगा दे रहे हैं। बड़ी ही आसानी से लग जाती है। आप ऐसा ना करें कि ज़बरदस्ती इसमें लगा दें। ये जो पार्ट हैं, ये मदरबोर्ड के हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, और आपको हम बता दें सरल तरीके से, जिससे कि आपको कंप्यूटर के भाग आराम से समझ में आ जाएं। कंप्यूटर के वे सभी भौतिक भाग जिन्हें हम पकड़ सकते हैं या छू सकते हैं, जैसे ये पकड़ रहे हैं, ये छू रहे हैं, वे आपके हार्डवेयर के अंतर्गत, ये टोटल आप ये देख रहे हैं वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। अब हार्डवेयर में आपका आता है कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, जिन चीज़ों को हम स्पर्श कर सकते हैं वो चीज़ हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय के अंतर्गत देखें, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी बताया जाता है कि जिस चीज़ को हम स्पर्श करते हैं वो भौतिकी यानी कि फिजिक्स होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसर फैन है जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखता है, और एक यहाँ पर रोम भी लगी है। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं,
जो कि ये आपको ब्लैक कलर में थोड़ी दिख रही होगी हम यहाँ पर, ये तो आपकी ये रोम है। और रोम का क्या काम है, देखिए अलग अलग तरीके की रोम होती हैं। यह है वो रोम है जो रैम और रोम। रोम का प्रयोग कंप्यूटर चालू करने और वो संबंधित जानकारियों को सुरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से संबंधित जानकारियों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। जो आपकी रोम है वो साधारण तौर पर समझने की कोशिश करें, जो कंप्यूटर में आप कार्य कर रहे हैं उन जानकारियों को सुरक्षित करने के लिए रोम का प्रयोग होता है। रोम मैग्नेटिक होती है और रोम के तीन प्रकार होते हैं, वो हम प्रकार आपको बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो में आपको जानकारी समझ आई हो। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।